हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका अपने यूट्यूब परिवार श्रीराम कंप्यूटर बाईतु में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज आपके लिए खास ही विशेष एक टॉपिक जो लाया गया है, कीबोर्ड से रिलेटेड। आपको कीबोर्ड के अंदर पूरा कौन कौन सी कीज होती है, क्या क्या प्रकार के यूज में आती है और कितनी हो जाती है, उनके बारे में आपको यहाँ पे समझा जाएगा। और आपको नो डाउट करते हुए समझना, एक कोई भी व्यक्ति द्वारा जो भी आप यूजर कंप्यूटर पर जो कार्य करता है, तो उसमें कीबोर्ड की सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है और कीबोर्ड का नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा इसमें कीबोर्ड और कौन कौन सी कीज होती है, और लास्ट में आपको मैं स्पीड, जो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है उसको फास्ट करने का जो तरीका आती है, 1 मिनट के अंदर आप प्रति 100 वर्ड लिख सकते हो, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्लास को आप अपने साथियों के साथ में शेयर कर दे, आपसे थोड़ा निवेदन रहेगा। तो सबसे पहले अपन कीबोर्ड को मैं स्टार्ट करूं यहाँ से। तो कीबोर्ड के बारे में अपन, मैं बेसिक जानकारी आपको बता दूं, कीबोर्ड इसका आविष्कार आपको याद रखना है। कीबोर्ड इसका आविष्कार हुआ था आपका 1868 के अंदर, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आता है क्रिस्टोफर लॉथम साल्स। क्या नाम आता है? क्रिस्टोफर लॉथम साल्स, जिन्होंने अपने कीबोर्ड का क्या किया था? आविष्कार किया था। कीबोर्ड आपका एक प्रकार का टाइप राइटर के समान होता है। किसके समान होता है? टाइप राइटर के समान होता है, टाइपिंग करने का काम करता है। और कीबोर्ड को आपको इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाएगा? इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। कीबोर्ड सर्वाधिक उपयोग में आने वाला आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें सर्वाधिक कीबोर्ड का ही अपन उपयोग कर सकते हैं। अब आप कीबोर्ड को अलग अलग पार्टों में इसमें बांट सकते हो, चार इसके मुख्य तो भाग रहेंगे और चारों भागों से आपको कीबोर्ड पूरा क्या होता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपका थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें कीबोर्ड के अंदर आपका कौन कौन सा भाग होता है और कौन कौन से भाग से अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कीबोर्ड के अंदर मैं बात करूं, तो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एक शब्द ध्यान रखना है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट सबसे पहला भाग आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको की जो थी और कौन कौन सी उसी, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग पर ये जो नाम दिख रहा है, इसका ESC, क्या लिखा हुआ? ESC। इसको अपन एस्केप कह सकते हैं, एस्केप कह सकते हैं। एस्केप की का उपयोग किया क्या होता है, यानी जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक वर्ड विंडो, कोई भी विंडो आपके सामने ओपन है, उसको आप उस करंट टास्क से या एक्टिव जो प्रोग्राम होता है उससे बाहर आने के लिए अपन जो शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं, वो एस्केप की का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपन किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करके बैठे, उस डायलॉग बॉक्स आपको बाहर आना है तो उसके लिए एस्केप की का उपयोग कर सकते हैं, या करंट टास्क को रोकने के लिए अपन एस्केप की का प्रयोग के माध्यम से बाहर आ सकते हैं। अब दूसरे नंबर बात करें तो यहाँ पे F1 से लगाकर F12 तक जो कीज दिखती है, कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग पर जो कीज होती है, इसको फंक्शन कीज कहा जाता है। इसकी संख्या पूछे तो आपको टोटल याद रखनी 12, यानी फंक्शन कीज होती है F1 से लगाकर आपकी F12 तक, जिसकी संख्या पूछे तो आपको याद रखना कितनी होती है, 12 होती है। ये अलग अलग फंक्शन के लिए काम आती है। सबसे पहले मैं बात करूं फंक्शन कीज F1 की, किसकी करता हूँ? F1, ये आती है हेल्प के लिए। किसके लिए आती है? हेल्प के लिए, यानी जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आप ओपन करके बैठे, जैसे एमएस वर्ड अपन ओपन कर दिया, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो F1 की प्रेस करोगे, आपके सामने पूरा हेल्प का क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नंबर दो पे आता है F2 की, कौन सी फंक्शन कुंजी आती है? F2। इसका नाम आता है रीनेम। रीनेम का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेस्कटॉप पे आइकन वगैरह कोई फाइल फोल्डर है उसका आप रीनेम देना चाहते हो, तो फंक्शन कुंजी दूसरी जो उपयोग करते हैं वो F2 उपयोग करते हैं। तीसरी आ जाती है F3 फंक्शन कुंजी, कौन सी आती है? F3। F3 का अर्थ होता है आपको सर्च बार, यानी जब आप किसी भी फाइल फोल्डर के अंदर ओपन करके बैठे आप किसी भी फाइल को सर्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर्च करने के लिए अपन किसका उपयोग कर सकते हैं? F3 फंक्शन कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है F4 की, फंक्शन कुंजी आती है F4। फंक्शन कुंजी F4 की का उपयोग होता है जब आप रिपीट लास्ट एक्शन, यानी एमएस वर्ड के अंदर कार्य कर रहे हो, आपने जैसे कोई भी वर्ड लिख दिया, जैसे श्रीराम कंप्यूटर भाई तो अपन ने लिख दिया, उसको सेम का सेम रिपीट लास्ट एक्शन लाना चाहते हो, अपन फंक्शन कुंजी उपयोग करेंगे, F4 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फंक्शन कुंजी आपके सामने F5, क्या आ जाता है? F5। F5 की आपकी रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है F5 की। एक पावर पॉइंट के अंदर भी आपको स्लाइड से शुरू से स्टार्ट करना तो भी अपन F5 की फंक्शन कुंजी अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। मॉनिटर में डेस्कटॉप पर F5 की आपका रिफ्रेश का कार्य करती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो F6 फंक्शन कुंजी आ जाती है आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा इनको हटा देता हूं मैं आपके सामने, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फंक्शन कुंजी आ जाती है आपके सामने F6। F6 आपकी फंक्शन कुंजी होती है, जैसे आप गूगल क्रोम है, उस गूगल क्रोम में आपको वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाने के लिए, एड्रेस बार के अंदर जाने के लिए अपन किसका उपयोग कर सकते हैं? F6 फंक्शन कुंजी का उपयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाती है F7। F7 फंक्शन कुंजी होती है, वो आपकी स्पेलिंग ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर से संबंधित त्रुटि होती है उसको हल करने के लिए अपन F7 फंक्शन कुंजी MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने F8। F8 फंक्शन कुंजी होती है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप MS Outlook के अंदर, MS Outlook का होता है उसके अंदर आपको ईमेल भेजने वो प्राप्त करने के लिए जो फंक्शन उपयोग किया जाता है उससे अपन F8 के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है F10 फंक्शन कुंजी। F10 फंक्शन कुंजी होती है जो कि आपको मेन्यू बार, इसको मेन्यू बार होती है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए या मेन्यू बार के अंदर जाने के लिए अपन F10 फंक्शन कुंजी का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने F11 फंक्शन कुंजी, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे F11 लिख रहा हूं आप। F11 आपकी फंक्शन कुंजी होती है फुल स्क्रीन में विंडो को, किसको, विंडो को आपको फुल स्क्रीन में करने के लिए F11 फंक्शन कुंजी का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट आ जाती फंक्शन कुंजी F12 जो कि आपकी सेवज के लिए काम करती है, किसके लिए काम करती है, सेवज। सेवज एक फाइल का नाम दिया होगा, फोल्डर का नाम दिया होगा, दोबारा नाम से आपको सेव करना तो अपन सेवज कमांड के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट होता है आपका कीबोर्ड में, सबसे ऊपरी भाग पर आपको फंक्शन कुंजी याद रखनी कितनी होती है, 12 होती है, F1 से F12 तक अलग अलग फंक्शन के लिए काम आती है। अब दूसरा आपके सामने बात करूं मैं कीबोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा भाग आपको यहां पे ध्यान रखना है कीबोर्ड के अंदर, यहां पे मैं दूसरा भाग ले रहा हूं आपके सामने, पार्ट ऑफ सेकंड कीबोर्ड के अंदर, ये जो पेड़ दिख रही है कीबोर्ड के आपके दाएं भाग में, कीबोर्ड के किस भाग में, आपके दाएं भाग में ये जो पेड़ होती है इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल पेड़। कौन सी पेड़, न्यूमेरिकल पेड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल पेड कहा जाता है या नंबरिकल पेड कह सकते हैं। इस नंबरिकल पेड के ऊपर टोटल बटनों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है, कितनी होती है, 17 होती है। अब इसके अंदर बात करें अपन 17 में, तो सबसे पहले आपको 0 से लगाकर 9 तक, कहां तक, 0 से 9 तक ये जो कीज होती है इसको कहा जाता है नंबरिकल कीज या न्यूमेरिकल कीज, नंबरिकल कीज या न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिकल की जो कि गणित के अंक लिखने का काम करती है। 0 से 9 तक होती है, टोटल संख्या पूछे तो 10 याद रखनी, न्यूमेरिकल कीज की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, जबकि नंबरिकल पैड पे बटनों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। तो इसमें न्यूमेरिकल गणित के अंक लिखने का काम करती है या कार्य करती है आपके सामने। अब यहाँ पे आपके सामने एक नमलॉक दिया हुआ, क्या दिया हुआ, नमलॉक, नमलॉक आपका एक प्रकार की इसमें टॉगल कीज की श्रेणी में आगे बढ़ाऊंगा आपको, इसमें टॉगल कीज, नमलॉक आप ऑन करोगे, क्या करोगे, आप इसको ऑन करोगे, ऑन करते ही आपके सामने गणित के अंक लिखने के या न्यूमेरिकल या नंबरिकल डाटा लिखने का जो काम करेगा, तो नमलॉक को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके गणित के अंक होते हैं वो टाइप होते हैं, क्या होते हैं, टाइप होते हैं, ये भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपको कीबोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इसके अंदर, ये सेकंड वाला मैं भाग ले रहा हूं इसके अंदर, नेक्स्ट थर्ड नंबर भाग आपका कीबोर्ड के अंदर आ जाता है ये वाला भाग, थर्ड पार्ट आपका कीबोर्ड के अंदर आता है, इसको अपन कर्सर कंट्रोल की एरो की के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला ये जो स्यार आपको कीज दिख रही है लेफ्ट में, राइट में, अप में और डाउन में, इसको कहा जाता है एरो कीज, क्या कहा जाता है, मैं इधर लिख देता हूं एरो कीज, एरो कीज या जिसे अपन कर्सर कंट्रोल की कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की भी कह सकते हैं, कर्सर का कार्य करती है। आप कर्सर को एक फाइल के अंदर ओपन है, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं आप, लेफ्ट में लेके जाना, राइट में लेके जाना चाहते हैं, डाउन में लेके जाना सकता है, ये कर्सर कंट्रोल की, एरो की, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। अब ये कर्सर कंट्रोल की आपकी, देखो यहाँ पे आपको नंबरिकल पैड बताया था मैंने, ये वाला भाग नंबरिकल पैड पे ऊपर, इसके ऊपर भी होती है, ध्यान रखना किसके ऊपर होती है, 2, 4, 6 और 8, ये ध्यान रखना, चार संख्या लिख रहा हूं, किस पे होती है, 2, 4, 6, 8, ये कब काम करती है, जब नमलॉक आपका ऑफ होता तब ये क्या कीज अपन के ऊपरी सीने क्या कर सकते हैं, टाइप हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपके सामने होम की, क्या आ जाती है, होम की, मैं थोड़ा सा इधर होम की लिख देता हूं, इसको ध्यान रखना आपको, होम की क्या होती है आपकी, जैसे आपकी एक लाइन है, ये वाली आपकी कोई भी लाइन है, इसी लाइन में कर्सर आपका 20 में, आपको एक ही लाइन के कर्सर आगे लाना तो अपन किसका उपयोग करेंगे, होम की का, और एक ही लाइन के आपको अंत में कर्सर लाना तो अपन उपयोग करेंगे एंड की का, किसका प्रयोग कर सकते हैं, एंड की का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपकी होम की काम आएगी। नेक्स्ट आ जाता है एंड की, एंड की क्या काम करेगी, एक ही कर्सर के आपको अंत में लाना है, किसमें लाना, जैसे कर्सर ये लाइन है आपकी, कर्सर आपका सबसे आगे है और या 20 में हो सकता है आपका, तो सबसे पीछे की तरफ में लाइन में लाना, तो अपन एंड की का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी कर्सर कंट्रोल की भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मुख्यतः एरो कीज या कर्सर कंट्रोल की कितनी होती है, 4 होती है, याद रखना आपको। उसके बाद में आ जाता है पेज अप, क्या आ जाता है, पेज अप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पेज अप, पेज अप की, पेज अप की क्या काम आती है आपके सामने, जैसे कि आप
एमएस वर्ड के अंदर चार पेज लेके बैठे हो, आप दो नंबर पेज पे खड़े हो, तो एक नंबर पेज पे पीछे वाले पेज पे जाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, पेज अप का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, पेज अप का। जबकि पेज डाउन का आता था आपको नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट यानी अगले आपको पेज के अंदर जाना है, तो अपन पेज डाउन की का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाती है आपके सामने इंसर्ट की, क्या आ जाती है, इंसर्ट की। इंसर्ट की आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को, या अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होकर कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपन इंसर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आती है डिलीट की, क्या आ जाती है, डिलीट की। ये अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ जो सिलेक्ट डाटा होता है उसको डिलीट करने के लिए, तो आप अपन क्या कर सकते हैं, इसका डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको एर इसमें टॉगल की में बताऊंगा, तो आपको ये कर्सर के दाएं भाग को जो अक्सर डाटा होता है उसको भी हटाने का काम कर सकती है आपकी डिलीट की। ये तो आपका सेकंड थर्ड नंबर भाग हो जाता है पार्ट, ये आपका कीबोर्ड का, इसको कर्सर कंट्रोल की एरो की होती है, सबकी आपको मैंने बता दी, थोड़ा ध्यान रखना। एक इसके अंदर की जाती, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, एक जो की दिख रही इसके अंदर उसका नाम आ जाता आपके सामने प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की आपको स्क्रीन का, किसका स्क्रीन का, आपको स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो काम करती है वो आपकी प्रिंट स्क्रीन की, कौन सी की होती, सॉरी प्रिंट स्क्रीन की काम आती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिंट स्क्रीन की, जैसे मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे, यहाँ पे से थोड़ा सा आप देखना इसको, ये जो दिख रही है आपको की, कौन सी, प्रिंट स्क्रीन की दिख रहा है इधर आपको, प्रिंट स्क्रीन की, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, तो प्रिंट स्क्रीन की होती है वो क्या करती है, आपकी स्क्रीन का, किसका स्क्रीन का, जो आपका स्क्रीनशॉट होता है वो लेने का जो कार्य करती है वो क्या करेगी, प्रिंट स्क्रीन की कर सकती है। अब जैसे आपने एक बार आप मॉनिटर में, डेस्कटॉप या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अपन ओपन होकर बैठे, उसका अपन स्क्रीनशॉट ले लिया, तब सबसे पहले तो आपको प्रिंट स्क्रीन क्या करनी, प्रेस करनी, क्या करनी आपको, प्रेस करनी। प्रेस करने के बाद में आपको कोई भी फाइल ओपन करनी, उसमें आपको पेस्ट करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना, पेस्ट, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है। तो पेस्ट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट किया हुआ स्क्रीनशॉट अपन पेस्ट करके वापस क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो कीबोर्ड के अंदर आपका एक जो स्वतः पार्ट रहता है, भाग रहेगा ये जो आपका यहां से लगाकर ये सेकंड फोर्थ नंबर भाग आपका पूरा यहां तक लेता है। मैं आपको एक एक कीज के बारे में यहां पे बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा क्लास को आपको कीबोर्ड में आपको स्मार्ट कैसे बनना है तो वो भी थोड़ा सा इसमें आपको समझते हुए जाना है। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे यहां से ए से लगाकर जेड तक ये जो कीज होती है इसको कहा जाता है अल्फाबेटिक कीज। कौन सी कीज कहा जाता है, अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक कीज कहा जाती है, जो कि आपकी टाइपिंग के लिए काम आती है। टोटल संख्या पूछे तो आपको याद रखना 26 होती है, कितनी होती है, 26 होती है अल्फाबेटिक कीज। अपन को नाम है, विद्यालय का नाम है, खुद का नाम है, टाइपिंग करने के लिए वर्ड अक्षर के लिए जो काम आती है वो आपकी अल्फाबेटिक कीज आ जाती है, जिसकी संख्या पूछे तो आपको कितनी होती है, 26 होती है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्वतः रहता कीबोर्ड के अंदर भाग होता है, यहाँ से पूरा काम अपन को कंट्रोल किया जाता है आपका मॉनिटर के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। अब अपन बात करें कीबोर्ड के अंदर तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये जो कीज दिख रही है यहाँ से लगाकर ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है तो ये जो कीज होती है इसको कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। कौन सी कीज कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एरो करके, अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। जैसे अपन सीधा सा अपन नंबरिकल डाटा टाइप करना चाहते हैं एक से लगाकर आपका जीरो तक कर सकते हैं, माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, ये तो अपन सीधा अपन यहां से टाइप कर सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज इसकी संख्या आपकी फिक्स नहीं होती, ये ध्यान रखना आपको, ये तो अल्फा न्यूमेरिक कीज। और ए से जेड तक ये जो कीज आती है इसको कहा जाएगा आपकी कौन सी कीज, ये जो कीज होती है इसको कहा जाएगा अल्फाबेटिक कीज। अब अपन बात करें ये जो कीज दिख रही है आपको थोड़ा सा, मैं यहां पे इस कीज को लिख रहा हूं स्पेस बार की। कौन सी की होती है, स्पेस बार की, स्पेस बार की आपकी कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। क्या होती है, सबसे लंबी की होती है, जिसका काम होता है दो वाक्य या सेंटेंस के मध्य जगह या स्पेस देने का जो काम करता है वो स्पेस बार की होती है। अब कीबोर्ड के अंदर देखो छोटे छोटे ये जो बटन दिख रहे हैं इनको पूरे को कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है। और मानक या साधारण कीबोर्ड पर जो कीज की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 104 होती है। कितनी होती है, 104 होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। मानक या साधारण कीबोर्ड पर कीज की संख्या कितनी होती है, 104 होती है। बाकी 108 भी होती है, 110 से 120 भी, अपन अलग अलग जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं या अपन इसरो वगैरह इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन वहां बड़ी मध्यम वर्ग की उपनियोग होते हैं वहां 120 से 108 भी हो सकते हैं। लेकिन मानक या साधारण कीबोर्ड पर कीज की संख्या कितनी होती है, टोटल 104 होती है। ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें कीबोर्ड के अंदर तो आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन, पहले ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन कीबोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा इधर अपन नोट डाउट करते हुए चलेंगे आपको यहां से ध्यान रखना।
अब अपन सबसे पहले बात करें एस्केप की। मैंने बता दिया आपको करंट टास्क को रोकने एक्टिव प्रोग्राम विंडो से बाहर आने के लिए एस्केप की का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया हुआ टैब की, कौन सी की दी हुई है? टैब की। टैब की का अर्थ क्या होता है? स्पेस देने का। किस क्या करने का? स्पेस देने का काम करे। जैसे अपन स्पेस बार के भी काम करती है, ये निश्चित अनुपात में स्पेस देती है। टैब की का उपयोग आप एमएस वर्ड के अंदर करो, एक निश्चित अनुपात में जगह या स्पेस देने का क्या करती है? टैब की काम करती है। एक करेगी आपकी एमएस एक्सेल के अंदर। किसके अंदर करेगी? एमएस एक्सेल के अंदर। आप एक सेल से, जैसे ये वाली सेल होती है एक्सेल के अंदर, आपकी एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। एक सेल से दूसरी सेल आगे जाने के लिए अपन किसका? टैब की का उपयोग कर सकते हैं। एक अपन कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे? ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरते हैं अपन। फॉर्म भरने के लिए अपन जैसे कोई भी फील्ड होती है, जैसे इधर पूछ लिया आपका स्टूडेंट का नाम, एक फील्ड के अंदर स्टूडेंट नाम पूछ लिया, एक के अंदर फादर नेम, एक का मदर नेम। स्टूडेंट लिखने के बाद में नेम अपन नेक्स्ट में जाने के लिए टैब की से अपन क्या कर सकते हैं? आगे जा सकते हैं। अब वापस पीछे आना तो अपन शिफ्ट की के साथ में क्या करेंगे? टैब की दबाएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? पीछे वाली फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं? वापस आ सकते हैं। ये तो काम करेगा टैब की का। किसका काम करेगा? टैब की का करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपको तो यहां पे की जो आ जाती है आपके सामने टैब की होगी अपनी, ध्यान रखना टैब की को आपको। थोड़ा सा इसको याद करते हुए जाना है और क्लास को आगे से आगे आपके जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करना, क्योंकि आपको कीबोर्ड के बारे में एक एक यहाँ पे कीज के बारे में बताया जा रहा है। किसी भी यूजर द्वारा पूरा काम कीबोर्ड से कंट्रोल होता है, तो कोई भी इसमें काम कर सकता है, ध्यान रखना। इसमें अपन बात करें तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे तीन आपके सामने लॉक्स बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, जो कि विशेष फंक्शन को आपको ऑन या ऑन ऑफ करने का काम करेगी। सबसे पहले अपन ने टैब की के बारे में देख लिया, अपन ने टैब की आपको एक निश्चित अनुपात में जगह या स्पेस देने का काम करेगी, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। एक्सेल के अंदर आपको एक सेल से दूसरी सेल में, और एक अपन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसके अंदर आपको आगे आगे फील्ड में जाने के लिए अपन टैब की का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीन लॉक बता रहा हूँ, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। आपको तीन लॉक आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे, जो कि विशेष फंक्शन को ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं। सबसे पहला आ जाता है कैप्स लॉक। क्या आ जाता है? कैप्स लॉक। दूसरे नंबर आ जाता है आपके सामने नम लॉक। कौन सा लॉक आ जाता है? नम लॉक आ जाता है। और तीसरे लॉक पे आ जाता है आपके सामने स्क्रॉल लॉक। कौन सा लॉक आ जाता है? स्क्रॉल लॉक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक नम लॉक और एक आ जाता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक और एक आ जाता है आपके सामने नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। कौन सा लॉक? कैप्स लॉक। अब यहाँ पे बात करें तीनों लॉकों को, इन तीनों लॉकों को टॉगल कीज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, टॉगल कीज कहा जाता है। कौन सी कीज? टॉगल कीज का आधार। टॉगल कीज की संख्या होती है तीन। कितनी होती है? तीन, जो कि विशेष फंक्शन को ऑन या ऑफ करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कैप्स लॉक के बारे में। किसके बारे में? कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक की क्या होती है? जैसे ये अल्फाबेटिक कीज ए से जेड तक आपको बताई थी, तो कैप्स लॉक आप ऑन करोगे, क्या करोगे? ऑन करोगे कैप्स लॉक को। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस साइड में आपको तीन ये जो कंट्रोल बटन है यहाँ पे सेम होते, काम आती है। नम लॉक होता है, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, तीन लॉक होते हैं। इधर लाइट होती है आपकी हरे कलर की, तब आपको पता चल रहा है कि कैप्स लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन है और स्क्रॉल लॉक, तीनों लाइट यहाँ पे। और ऑफ करोगे जी तीनों लाइट क्या होती? बंद होती, ध्यान रखना, हरे कलर की लाइट होती है। अब कैप्स लॉक आप ऑन करोगे जब आप अल्फाबेटिक अंग्रेजी वर्णमाला को आपको कैपिटल में लिखना है। कैपिटल का अर्थ था बड़े में, कैपिटल में लिखना या बड़े अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला को लिखना चाहते तो अपन कैप्स लॉक की को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। क्या करेंगे? ऑन करेंगे। और वापस ऑफ कर दिया तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे टाइप होती है? छोटी वर्णमाला टाइप होती है, ये ध्यान रखना आपको कैप्स लॉक की के बारे में। दूसरा आता है नम लॉक। क्या आता है? नम लॉक। नम लॉक क्या काम करेगा? जब आप गणित के अंक, सर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये गणित के अंक दिख रहे हैं आपको, गणित के अंक आपको अल्फा आपको न्यूमेरिकल कीज गणित के अंक आपको टाइप करने, तो नम लॉक को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा, तब गणित के अंक क्या करेंगे? टाइप होंगे। और इसको बंद कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तो क्या होगा? गणित के अंक टाइप नहीं होंगे, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब आप नम लॉक आपका ऑफ होता है तब इसके ऊपर चिन्ह दिए, एरो कीज दिख रही है 2, 4, 6, 8 पे, ये भी ध्यान रखना आपको, ये टाइप होंगे इसके ऊपर, आप एरो कर्सर का काम करेगा। और होम की, एंड की और पेज अप पेज डाउन की, ये जो ऊपरी सीना दी होते हैं, जब नम लॉक ऑन ऑफ रहता है तब ये कार्य करता है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। और स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक क्या काम होता है? आपका एमएस एक्सेल के अंदर, स्क्रॉल लॉक में बता दूं आपको, एमएस एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर आपको स्क्रोलिंग को रोकने का काम करता है। एमएस एक्सेल के अंदर किसको रोकने का काम करता है? स्क्रोलिंग को रोकने का जो काम करता है, रोकने का काम करता है, वो करेगा स्क्रॉल लॉक। या जो अपन ने किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर लास्ट कमांड दिया, लास्ट एक्शन दिया, उसकी जो कमांड को रोकने का जो काम करता है, वो करेगा आपके सामने स्क्रॉल लॉक करता है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये तीन लॉक होते हैं, इन तीनों लॉकों को टॉगल कीज कहते हैं, ये थोड़ा सा आप इसके अंदर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट अपन बात करें कीबोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं आपको कुछ अपन स्पेशल कीज के बारे में, यहाँ पे देख रहे, ध्यान से समझना आपको। तो यहाँ पे आ जाता आपके सामने एक शिफ्ट की। कौन सी की आती है? शिफ्ट की। एक आती कंट्रोल की और एक आ जाती अल्ट की। तीनों कीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, शिफ्ट की, कंट्रोल की और आ जाती है अल्ट की। कौन सी की? अल्ट की। ये जो तीन कीज होती है, इन तीनों कीज को कहा जाता है कॉम्बिनेशन कीज। कौन सी कीज कहा जाता है?
कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। कौन सी कीज कहा जाता है? कॉम्बिनेशन कीज वो कीज होती है जो किसी अन्य कीज के साथ में प्रयोग में ली जाती है। तीन होती है, ध्यान रखना, कैप, शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्ट की, इनको कॉम्बिनेशन कीज कहेंगे। अब अपन बात करें सबसे पहले शिफ्ट की। कौन सी की? शिफ्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सामने शिफ्ट की, और इसका नॉलेज अपन को होना बहुत ही जरूरी होता है। क्या काम आती है देखते अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज बताया था मैंने, अब सीधे अंक टाइप करोगे तो आपके गणित के अंक टाइप होते हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर विपरीत चिन्ह है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अल्फा न्यूमेरिक कीज के आपके ऊपरी चिन्ह में जैसे एट द रेट है, एच है, डॉलर है, प्रतिशत है, ग्रेटर देन है, एंड है, स्टार है, ब्रैकेट है, कॉलम मान सकते हो आप, माइनस है, प्लस है। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज के जो ऊपरी चिन्ह होते हैं इनको टाइप करने के लिए आप शिफ्ट की के साथ में प्रयोग करोगे। शिफ्ट की के साथ में जब अल्फा न्यूमेरिक कीज टाइप करते तो ये ऊपरी चिन्ह होते हैं वो टाइप करने का काम करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना शिफ्ट की। दूसरा शिफ्ट की क्या काम करता है, जैसे आपने यहाँ पे कैप्स लॉक बताया था मैंने आपको, अल्फाबेटिक कीज बड़े अक्षरों में, तो कैप्स लॉक आपका जब ऑफ होता है, क्या होता है? ऑफ यानी बंद होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसी टाइप होती है? छोटी टाइप होती है। अब अपन कोई भी वर्ड लिखते तो पहला अक्षर कैपिटल लिखना होता है, तो अगर एक ही अक्षर कैपिटल लिखना है तो आपको शिफ्ट की के साथ में जब कैप्स लॉक आपका बंद होता है तब आप अल्फाबेटिक कीज को क्या कर सकते हो? बड़े अक्षर में टाइप कर सकते हो, कैपिटल की में। ये ध्यान रखना, जब आप कैप्स लॉक बंद होगा तब अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिक कीज को आप बड़े अक्षर टाइप करना चाहते हो कोई बीच में या शुरुआत में, तो शिफ्ट की के साथ में आप क्या करोगे? प्रेस करोगे, तब आपकी अल्फाबेटिक कीज क्या होती है? बड़ी टाइप होती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन कंट्रोल की का, किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल की। अब कंट्रोल की आप शॉर्टकट की में उपयोग ले सकते हो, जैसे कंट्रोल ए तो साथ में उपयोग हो रहा है, कंट्रोल ए शॉर्टकट में, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल काम आता है, कंट्रोल एस सेव के लिए काम आता है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट काम आता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए काम आता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए काम आता है, कंट्रोल एक्स कट के लिए काम आता है, कंट्रोल जेड अंडू के लिए काम आता है, कंट्रोल वाई रीड्यू के लिए काम आता है, कंट्रोल टी न्यू टैब के लिए काम आता है, कंट्रोल ई सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए काम आता है, कंट्रोल डब्ल्यू किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए काम आता है। तो शॉर्टकट की के साथ में उपयोग करते हैं तो कंट्रोल की का उपयोग कर सकते हैं। अल्ट की का उपयोग, थोड़ा सा मैं यहां से मिटा देता हूं, आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए आराम से, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। इधर मैं यहां से जो कीज बता रहा हूं आपको, जैसे यहां पे अल्ट की आती है तो अल्ट की भी क्या होगी आपकी, सॉरी कॉम्बिनेशन की जाती है। अल्ट की का साथ में, जैसे अल्ट के साथ में एफ और प्रेस करोगे, क्या करोगे? फंक्शन कीज एफ और प्रेस करोगे तो शट डाउन करने के लिए काम आता है, शटडाउन के लिए काम आता है, तो ये अल्ट एफ और साथ में प्रयोग, इसको भी अपन कॉम्बिनेशन की थी। एक यहाँ पे जो एफ एन लिखा रहा है, ये जो एफ एन लिखा रहा है क्या लिखा रहा है? एफ के साथ में एन, ये आपके जो अपन का क्या नाम लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप के अंदर अपन को कंप्यूटर को बंद करना है, शटडाउन करना, तो दो तीन तरीके अलग अलग आते हैं, तो साथ में जैसे अल्ट एफ और करते हैं तो में साथ में क्या होता है? प्रयोग नहीं होता है। तो आप अल्ट एफ और की या एफ एन के साथ में आपको क्या करना, अल्ट के साथ एफ एन के साथ में एफ और की प्रेस करोगे तब आपका क्या होता है? कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो ये काम करेगा आपके सामने, अल्ट एफ और की का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कार्य करेगा आपके सामने एफ एन की, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब आपको मैं नेक्स्ट बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कीबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आपके सामने एक जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कीबोर्ड के अंदर कीज दिख रही है, इसको कहा जाता है विंडो लोगो की। कौन सी? विंडो लोगो की कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, विंडो लोगो की क्या होती है, ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना, ध्यान में देना है। विंडो लोगो की वो कीज होती है जो आप स्टार्ट मेन्यू पे, कौन सी मेन्यू पे? स्टार्ट मेन्यू, जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलना चाहते हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू विंडो लोगो की प्रेस करोगे, उसके साथ आप विंडो की स्क्रीन आती है, ये विंडो लोगो की क्या करता है? काम करता है। ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना, विंडो लोगो की ये दो जगह होती है, ध्यान रखना विंडो लोगो की आपकी एक इधर साइड में दिख रहा है और एक ऑप्शन इधर भी दिख रहा है, ये भी ध्यान रखना आपको। कंट्रोल की आपकी दो जगह होती है, शिफ्ट की दो जगह होती है, ये भी ध्यान रखना, और एक एंटर की, ये कितनी जगह होती है? दो जगह होती है आपके कीबोर्ड के अंदर। ये थोड़ा सा आपको क्या करना, ध्यान रखना है। अब अपन बात करें यहाँ पे, तो ये जो मैंने स्पेस बार की आपको बता दी, यहाँ पे अल्ट सेम है, एफ एन सेम है, कंट्रोल सेम है, ये जो आपको एक कीज दिख रही है इसको रिप्रेस की कह सकते हैं अपन, रिप्रेस की भी कह सकते हैं, रिप्रेस की या माउस का राइट क्लिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं माउस का राइट क्लिक। कौन सा क्लिक? राइट क्लिक का जो कार्य करती है वो करेगी आपके सामने ये वाली की। आप मॉनिटर में डेस्कटॉप पे अपन रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस की का प्रयोग करके अपन रिप्रेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होकर बटन, माउस का राइट बटन का, कौन से माउस का? आपका राइट क्लिक का जो कार्य करता है ये काम करेगा ये वाला बटन, आपको ये भी थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें कीबोर्ड के अंदर, तो मेरे कीबोर्ड के अंदर आपको छोटे छोटे बटन जिन्हें कीज बताया था आपको, टोटल संख्या पूछे तो कितनी होती है? 104 याद रखनी आपको, मानना कीबोर्ड पे कीज की संख्या 104 होती है। अब अपन बात करें कीबोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा आपको यहां से मैं बता दूं आपको, इसके अंदर आपको थोड़ा सा याद रखना, इसके अंदर कंट्रोल की होगी, शिफ्ट की होगी, एंटर की,
कौन सी की मैंने बताई, एंटर की लिख रहा हूं यहाँ पे। एंटर की आपके कीबोर्ड की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की, एंटर का हिंदी होता है प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना होता है। जैसे कि आप मान लो किसी एप्लीकेशन सॉफ्ट एमएस वर्ड के अंदर कार्य करें तो एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर जाए, जैसे अपन ने यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर लाइन लिख ली, अब नेक्स्ट लाइन में आना तो अपन एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में ऐसे आगे आगे आ सकते हैं और नया पेज भी आपका एंटर की से आ सकता है एमएस वर्ड के अंदर। और एंटर की काम आती है आपके डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल फोल्डर है उसको आप ओपन करना चाहते हो, अंदर प्रवेश करना चाहते हो, तो भी अपन एंटर की का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ बैक स्पेस की, कौन सी लिखा हुआ, बैक स्पेस की। बैक स्पेस की मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बैक स्पेस की। अब बैक स्पेस की जो क्या काम करती है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बैक स्पेस की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, जूम कर दिया कम, अपने जूम आउट कर दिया। अब यहाँ पे बैक स्पेस की लिख रहा हूं मैं, बैक स्पेस की। अब बैक स्पेस की कर्सर के, जैसे अपन यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं मैं कंप्यूटर, कंप्यूटर मैंने वर्ड लिखा, आपका कर्सर यहां पे पी पे, कहां पे, पी और यू के बीच में। थोड़ा सा आपको ध्यान देना इसमें, यहां पे थोड़ा सा समझना, आराम से समझने की कोशिश करना। आपको यहां पे बैक स्पेस की बता रहा हूं आपको, कौन सी की, बैक स्पेस की। तो कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ आपको कर्सर का, कर्सर का बायां भाग का अर्थ होता है आगे वाला भाग, और कर्सर का दायां भाग यानी पीछे पिछला जो भाग होता है दायां वाला। अब देखो कर्सर के बाएं भाग का अर्थ होता है आगे वाले भाग को हटाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, बैक स्पेस की का प्रयोग कर सकते हैं। तो कर्सर का आपका बायां भाग हटेगा और दायां भाग यानी ये जैसे यू हटाना अपन को, पी हटाना था अपन बैक स्पेस की, कर्सर का बायां भाग या आगे वाला भाग, और कर्सर का दायां भाग हटाना अपन यू हटाना या दायां भाग हटाना के लिए डिलीट की का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज भी थोड़ी सी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखते हुए आपको जाना है। अब अपन कीबोर्ड के अंदर थोड़ा सा बताएं आपको, तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड के अंदर आपको कुछ जो टाइपिंग करने के लिए एक शब्द दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना इसके अंदर, सॉरी कीबोर्ड के अंदर टाइपिंग करने के लिए आपको टाइपिंग के अंदर स्मार्ट यूजर कैसे बनना है वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, मैं साथ साथ में बता रहा हूं। आप प्रति मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर आप कम से कम प्रैक्टिस के ऊपर उसमें आपको ए से जेड वर्ड पूरे मिलेंगे, और प्रैक्टिस के अनुसार आप एक मिनट के अंदर 25 वर्ड या 100 वर्ड आराम से टाइप कर सकते हो, जो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ QWERTY, क्या लिखा हुआ, QWERTY, क्वेरिटी शब्द का संबंध होता है वो भी होता है किससे, होता है कीबोर्ड से होता है। अब टाइपिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना आपकी जो थंब की यहां से अपन को आपकी उंगलियां रखना है ASDF और JKL और कॉमा, यहाँ पे रखते हुए आपको क्या करनी है, टाइपिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, टाइपिंग करनी पड़ती है। बाकी मैंने कीबोर्ड के बारे में आपको एक एक चीज के बारे में यहाँ पे क्या कर दिया, नो डाउट करवा दिया, याद करवा दिया, एक एक चीज आपको याद की है, साथ साथ में आपको बताया कीबोर्ड के बारे में कैसे कैसे उपयोग होता है। तो भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर दे, और जो भी अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज अपना श्रीराम कंप्यूटर बाइक टू करके चैनल है, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आपको टाइपिंग के अंदर कैसे स्मार्ट बनना है, क्या करना है टाइपिंग के अंदर कैसे आपको क्या करना है, स्मार्ट बनना है। तो एक फॉर्मूला आता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इधर मैं फॉर्मूला आपको बता दूं थोड़ा सा। तो यहां पे फॉर्मूले के अंदर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको टाइप करना है, यहां से मैं ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसको, देख लो ये जैसे एमएस वर्ड आपके सामने ओपन है, क्या है एमएस वर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसके अंदर आप टाइपिंग स्पीड को क्या कर सकते हो, बहुत ही स्पीड बढ़ा सकते हो। तो आपको सबसे पहले टाइप करना है, यहाँ पे बताना है देखो ऑन स्क्रीन पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बराबर बी लिख रहा हूं, यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में डॉट लगाना है, OLD ब्रैकेट ओपन करना है, 1 कॉमा लगाना बीच में, वापस 1 लगाना है, ब्रेकर को क्या करना है बंद करना है और एंटर की प्रेस करनी। ये फॉर्मूला आता है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अब इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर अपन बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बता दूं तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अब यहाँ पे आपको इस वर्ड के अंदर, इसके अंदर आपको सबसे पहले अपन बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, तो देखो द से लगाकर आपका डॉग, यहां से जो ये वर्ड लिखे हुए इसके अंदर ए से लगाकर, कहां से ए से लगाकर जेड तक जो भी आपके कीबोर्ड के वर्ड होंगे, क्या होंगे कीबोर्ड की जो कीज होती है वो क्या होती है पूरी टाइपिंग होती है। तो इसको आपको ऊपर लाना, उसके बाद में आपको टाइपिंग की स्पीड को क्या करना है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, टाइपिंग स्पीड अपन क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको स्मार्ट बनना है टाइपिंग, इंग्लिश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है आपकी टाइपिंग, उसमें आपको स्मार्ट बनना चाहता है, ये फॉर्मूला आपका क्या कर सकता है काम कर सकता है। इसके अंदर देख लो आपको क्या टाइप करना होता है, बराबर एनडी डॉट OLD
आप कैपिटल में भी कर सकते हो, स्मॉल में भी कर सकते हो टाइप। ब्रैकेट ओपन करना है 1, 1 और उसके बाद में आपको क्या दबानी, एंटर की प्रेस करनी, एंटर की क्या करनी आपको प्रेस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रीराम कंप्यूटर एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर, बाय।